हर सफ़र की एक शुरुआत होती है, तो हमारी भी थी। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं अपने मामा के घर में हूँ और हम निकल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं दारा। ऑब्वियसली साइकिलों पर जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है, मतलब ना साइकिलों पे जाना ज़रूरी है, ना इतनी सुबह उठना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इसको एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं तो दोनों चीज़ें मेरी तरफ से लाजमी है। ये जी हमारे पीछे कश्मीर का वर्ल्ड फेमस डल लेक। ऐसे छोटे मोटे स्टॉप्स भी हमको लेट करवा सकते हैं, तो अब सफर तेजी से जारी है। ये हमारे साइड पे है कश्मीर के वर्ल्ड फेमस मुगल गार्डन्स। लगता है शायद मैंने गलती कर दी। ये अभी सीधे उधर तक चढ़ाई है और थकावट शुरू हो गई है। तो फाइनली हमने पार कर लिया हरवन की चढ़ाई। अगर मैं गलत ना हूँ तो द ग्रेट हरवन की चढ़ाई। ये हिस्सा इस ट्रिप का सबसे मुश्किल हिस्सा है, इसके अलावा बाकी सब नॉर्मल ही है। अब हम 5-6 मिनट इस नदी के किनारे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। हरवन के बाद आप पहुंचेंगे असली पहाड़ों में। आप पहुंचेंगे दाशी नेशनल पार्क के पास। ये हमारे साथ धोखा है, एक और चढ़ाई। इस चढ़ाई को अब हम पैदल क्रॉस करेंगे। दीव अपडेट सरिया क्यों हाल तच अभी ये आगे वाली चढ़ाई है, इसके बाद 2-3 और चढ़ाई है। इस ट्रिप में चढ़ाया एक नॉर्मल बात है। इस ट्रिप में आप समझ लीजिए चढ़ाइयों पे चढ़ाया, चढ़ाइयों पे चढ़ाया और चढ़ाइयों पे चढ़ाया है। वस्ता ये क्या शमशीर है कमरस पे? ये क्या बोल रहे हैं? कमर पे क्या है ये शमशीर? दरात है, दरात। इससे क्या करते हैं? घास काटने के लिए। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हम लोग छोटी सी वाटर ब्रेक ले रहे हैं। ये 93वां सामान है। हम जी आप पहुँचे हैं दारा के ब्रिज के पास, तो हम यहाँ से सामान वामान उठाएंगे और फिर सफ़र करेंगे ऊपर की तरफ। इतना सारा सामान उठा लिया है जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि हमें वहाँ पर दिन भर रहना है। इतने छोटे छोटे रूल्स भी अगर लाइफ में नहीं तोड़ोगे तो थ्रिल कहाँ से आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह चाय वाय पी ली है। अब हम साइकिलों को यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ से हम पैदल चलेंगे ऊपर की तरफ। दिस इज द रोड टू हेवन। यहाँ से हमारा पक्का रास्ता ख़त्म और आगे से ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट। वेलकम टू दारा। यहाँ से वहाँ तक ये पिकनिक पॉइंट चलता है। उस वाले स्पॉट पे हमने खुद को रिफ्रेश कर लिया है। अब हम यहाँ से और ऊपर जाएंगे। यहाँ इस पॉइंट तक हम पहुँचे हैं। इसके पीछे लग रहा था कि नदी नेवर एंडिंग है, तो यहाँ से आप वापस जाएंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे, हाँ, और कुछ खाए पिएंगे भी। आराम वाराम का तो सीन नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत हो गई है, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर नहाएंगे। मैं घर से दादाजी की टी शर्ट और ट्राउजर ले आया था नहाने के लिए। पानी बर्फ से भी ठंडा है। नहा वहा के हमारा सीन हो चुका है, कपड़े वपड़े भी बदल लिए हैं, थोड़ी देर अपने आप को गर्म भी कर लिया है। अब थोड़ी देर हम और ट्रैक करेंगे आगे। पहली बार हम इस तरफ से गए हैं, लेकिन इस बार हम इस तरफ से जाएंगे। कहीं मैं व्लॉगिंग के चक्कर में इधर से गिर ना जाओ। इतनी देर हमने इस खूबसूरत नज़ारे और पानी के शोर में आराम किया। अब हम वापस नीचे जाएंगे। अभी ऊपर हम कुछ इस जगह पर बैठे हुए थे और अब हम नीचे आ चुके हैं। अब हम दारा के इस पिकनिक स्पॉट से निकल रहे हैं और ये खाते खाते हम वापस जा रहे हैं। अब में से बहुत लोग परेशान हो गए कि हमने कचरे वचरे का क्या किया, तो मैं बता दूं, ये जो सारा बैग है ना, इसमें हमने कचरा भर दिया है। ये हम घर वापस लेके जा रहे हैं। ये रही जी अपनी साइकिलें। आप अपनी साइकिल निकालेंगे और नीचे उतरेंगे। ऊपर चढ़ते हुए जितनी भी मुश्किल हमको हुई थी, अब उसका सारा बदला हम नीचे उतरते हुए निकालेंगे, क्योंकि नीचे उतरने में थोड़ा भी जोर नहीं लगाना है। अब बस ग्लाइड करते जाएंगे नीचे। अभी उजैर हमको कहीं ले जा रहा है, वो बता रहा है कि कोई अच्छी जगह है नहाने के लिए, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग लगभग नंगे घूम रहे हैं, तो यहाँ पर व्लॉग करना तो नामुमकिन बात होगी। ये है जी स्विमिंग पूल, यहाँ हम अभी नहा रहे हैं, तो अभी आपको दिखाएंगे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हम जी निकल गए हैं स्विमिंग पूल से नहा वहा के। बेसिकली जो बात है, दारा से बेहतर नहाने में मज़ा आना यही स्विमिंग पूल में था। पिछली वीडियो में इतना ज़्यादा वेदर के बारे में रेंट करने के बाद लगता है अल्लाह ने मेरी सुनी ली। आज बहुत तेज़ धूप हो रही है, मतलब अभी हम हरवन से नहा के निकले हैं और यहाँ पे फिर से गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लिया है, हम आइसक्रीम खाएंगे और अपने आप को रिफ़्रेश कर लेंगे, फिर घर के लिए निकलेंगे। डल के किनारे पे आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट बड़ा परफेक्ट लगता है। उन पहाड़ों में कहीं पर हम थे। सो फाइनली अब हम घर के लिए निकल पड़े हैं। सुबह अगर मैं इतनी जल्दी ना उठा होता, साइकिल के बजाय बाइक, स्कूटी या गाड़ी में गया होता, तो शायद मैं इतना थका हुआ नहीं होता। लेकिन इस एक्सपीरियंस को मेमोरेबल बनाने के लिए वो दोनों चीज़ें ज़रूरी थी। और थकान का क्या है, वो आती है और जाती है, लेकिन एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी रहता है।